हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकल टिप्स में। आज हम बात करने आ रहे हैं बेडरोनी इंजेक्शन के बारे में। बताएंगे आपको इस इंजेक्शन के क्या क्या इस्तेमाल हैं और क्या क्या डोज़ हैं और कौन सी कंपनी बनाती है और कितनी MRP का मिलता है, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से एक बात पहले बता दूंगा आपको, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबाते रहो ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बेडरोनिन एक्वा इंजेक्शन है। पहले आता था बेडरोनिन नाम से, अब बेडरोनिन एक्वा करके आता है ये बेडरोनिन एक्वा इंजेक्शन। ये फ्रेंड विटामिन बी वन B6 B12 विद पैंथनॉल इंजेक्शन है ये। इसकी जो कंपनी है करोना कंपनी का है, ये काफ़ी अच्छी फार्मी की है, ये करोना कंपनी का है, काफ़ी बढ़िया है। और इसकी जो एक्सपायर और मैन्युफैक्चर डेट है वो उसकी बात करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चर डेट है सितंबर 2018, दिख रही है आपको, और ये एक्सपायर हो रहा है फरवरी 2020 में, यानी कि फ्रेंड इसकी काफ़ी लंबी एक्सपायरी है। और इसकी MRP की बात करता हूँ, MRP ज़्यादा महंगा नहीं है आपको, ये 11 रुपये का आपको मेडिकल स्टोर से अवेलेबल मिल सकता है, आपको 11 रुपये का ले सकते हैं आप ये बेडरोनिन इंजेक्शन। बेडरोनिन एक्वा नाम से आता है ये, 2 ml का एम्पुल है। अब इसके जो फ़ायदे हैं, इसके जो मतलब किस प्रकार में काम आता है उसकी बात करते हैं। ये जो इंजेक्शन है आपको जैसे देखा होगा, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाती है, बहुत थकान हो जाती है और मांसपेशियों में कमज़ोरी होती है, नसों में कमज़ोरी आ जाती है, लूज़ मोशन हो जाता है। तो उस प्रकार के लिए, उस बीमारियों में इसका काफ़ी बेटर रिजल्ट है, उनके लिए बहुत अच्छा इंजेक्शन है ये। ये 2 प्रकार से यूज़ होता है फ्रेंड, ये बता रहा हूँ आपको, ये IM और IV यूज़ होता है। लेकिन फ्रेंड हम IV जब देते हैं, जब बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी विटामिन की कमी ज़्यादा होती है, लूज मोशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब हम इसे ड्रिप के साथ इंजेक्शन देते हैं। वैसे IV दोगे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब IV दिया जाता है इंजेक्शन। ये जैसे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है तब इसे आप IM दे सकते हैं। IM देंगे तो बहुत सेफ रहेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी IM इंजेक्शन से। IM दे सकते हैं आप इस इंजेक्शन को, IM ज़्यादा बेटर रहेगा मांसपेशियों की कमी से, जोड़ों में बहुत ज़्यादा आपको जोड़ों में भी चल नहीं मिलता है, उसके विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसमें भी काफ़ी बेटर है इंजेक्शन जोड़ों के दर्द के लिए। या आपको नसों में झिनझिनाहट रह रही है, पूरे दिमाग झिनझिनाहट रहता है और हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, सुन्न हो जाता है हाथ पैर, सुन्न हो जाते हैं नसें, एक साइड काम नहीं करती हाथ दूध, तो उसमें भी काफ़ी बेटर रिजल्ट है इसका फ्रेंड। तो इसके जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंजेक्शन को, तो पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, फिर उसके बाद ये इंजेक्शन लगवाएं। क्योंकि आप अंग्रेजी दवा कोई चीज़ ले लो, बिना डॉक्टर की सलाह से दवा नहीं ले सकते, क्योंकि दवा लोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आप, मैं यही सलाह देता हूँ आपको कि आप अपने कोई नज़दीकी डॉक्टर हो या कोई आपका फ्रेंडली डॉक्टर हो उसको सलाह लें, फिर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, उसके बाद आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो इसके डोज़ की बात करता हूँ, आप इसे 24 घंटे में एक बार ले सकते हैं, 24 घंटे में एक बार ले सकते हैं आप इस इंजेक्शन को IM। और अगर आपको लूज़ मोशन हो रहा है, मतलब डायरिया बन गई है, तो आप इसमें ड्रिप में ले सकते हैं, आप ड्रिप में डाल के लगवा सकते हैं IV, उसके लिए भी कमज़ोरी को दूर करता है, थकान कैसे भी झिनझिनाहटपन चक्कर आना ये सब ख़त्म करता है, बहुत बढ़िया इंजेक्शन है ये। तो फ्रेंड इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट का कोई ख़ास नहीं है, बस खाली ईचिंग हो सकती है, बस थोड़ी सी रैशेज हो सकती है, वो भी हर किसी को दिखता नहीं है ये साइड इफ़ेक्ट, ये बहुत कॉमन से हैं, ये ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते नहीं इसका, वैसे देखा जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाते रहें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें, आप उस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।